हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे वेजी बॉक्स पैटी। मेरी वीडियो रेसिपी पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल बटन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली रेसिपी आपका सबसे पहले मिले। वेजी बॉक्स पैटी बनाने के लिए हमें जो इंग्रीडियंट्स चाहिए वो है, नमक हम यूज़ करेंगे स्वाद अनुसार, काली मिर्च आधा चम्मच, एक गाजर हमने बारीक चॉप कर ली है, एक शिमला मिर्च बारीक चॉप कर ली है, एक बाउल हमने कॉर्न लिए हैं, एक बड़ा प्याज हमने बारीक चॉप कर लिया है, एक बाउल हमने सूजी ली है, एक बाउल हम लेंगे आटा, जितनी सूजी उतना ही आटा लेना है हमें, और दो चम्मच मैदा लेंगे, मेयोनीज यूज़ करेंगे हम, ऑयल यूज़ करेंगे तलने के लिए, उसमें डालने के लिए चिली फ्लेक्स यूज़ करेंगे हम, अपने हिसाब से डालेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं डालना, आज ज़्यादा तीखा अब खाना पसंद करेंगे तो ज़्यादा डाल सकते हैं। ऑरिगेनो यूज़ करेंगे, वार्म वाटर यूज़ करेंगे और चीज़ स्लाइस यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम आटे का डो तैयार करेंगे। तो हम जो आटा दिया था हमने वो एक बड़े बाउल में डाल लिया, उसके बाद हम सूजी डाल देंगे बड़े बाउल में, नमक हम डालेंगे आधा चम्मच, उसके बाद हम ऑयल डालेंगे इसमें वो लगभग 3-4 चम्मच, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने मिक्स कर लिया सब, हम इसको देखेंगे ऐसे ये बाइंड हो रहा है या नहीं बाइंड हो रहा है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा गर्म पानी यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं एकदम डालना, ये हमें डो ना ज़्यादा पतला बनाना है ना ही ज़्यादा सख्त। ये डो हमारा रेडी हो गया, अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको चारों तरफ लगा देंगे इसको, उसके बाद हम इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे, इसको हम साइड रख देंगे। फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें डालेंगे गाजर जो हमने चॉप की हुई थी, एक गाजर, उसके बाद डालेंगे शिमला मिर्च, उसके बाद डालेंगे कॉर्न, कॉर्न को हमने थोड़ा सा गर्म पानी में कर लिया था, उसके बाद हम डालेंगे प्याज, एक बारीक प्याज हमने चॉप करके रखा हुआ, उसके बाद हम डालेंगे आधा चम्मच काली मिर्च, नमक हम डालेंगे स्वाद अनुसार, हमने आटे में भी नमक डाला है तो इसमें हम कम ही डालेंगे नमक, उसके बाद हम डालेंगे मेयोनीज, 3 चम्मच हम मेयोनीज डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। मेयोनीज अच्छे से मिक्स हो जाए, मिक्सर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मेयोनीज अगर आपको कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। सारा मिक्स करने के बाद हमें इसमें चिली फ्लेक्स अगर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो ये ऑप्शनल है। और ऑरिगेनो डालेंगे हम थोड़ा सा, ऑरिगेनो डालेंगे फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा ये मिक्सर रेडी हो गया है।
मिनट हो गए हैं, अब हम इसके छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। जैसे रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा लेना है। लोई को ऐसे हाथ से गोल कर लेंगे। इसको बेलन से बेलेंगे। साइड से काट देंगे, रेक्टेंगल शेप में हमें काटना है। बीच में से काट के दो पीस कर लेंगे। ऐसे हम सारे पट्टियां काट के रख लेंगे। मैदा जो हमने लिया था उसको हम चम्मच से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको पेस्ट टाइप बनाना है। थोड़ा थोड़ा डाल के पहले करेंगे, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे, बाद में और डालेंगे पानी। बिल्कुल पेस्ट बन गया है, अब हम इसको इसके ऊपर लगाएंगे सेंटर में। इसके ऊपर हम इसको लगाएंगे और अब हम चीज के जो स्लाइसेस थे उसको हमने चार पीस में काट लिया, उसको हम यहाँ लगाएंगे के ऊपर। हम एक स्लाइस और लगाएंगे पीस और इसके चारों साइड भी हम लगा देंगे। हम इसको बंद करेंगे ऐसे, फिर इस वाले को ऐसे, फिर ऐसे। ऐसे हमारा पैकेट बन गया है, बॉक्स। ऐसे करके हम सारे बना के रख लेंगे। हमने सारे वेजी पॉकेट्स बना के रख लिए हैं और जो हमने थोड़ा सा दो चम्मच मैदा लेके उसको पतला पतला एकदम गोल बना लिया और एक प्लेट में सूजी हमने ली है, उसको ज़्यादा क्रिस्पी करने के लिए हम इसके ऊपर सूजी कोट करेंगे। सबसे पहले हम इसको मैदे में ऐसे डिप करेंगे, उसके बाद हम सूजी में से करेंगे, सारी सूजी इसके ऊपर चिपक जाए। इस ऐसा करने से सारे वेजी बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। हम यहाँ बना लेते हैं, दूसरे को भी ऐसे डिप करके फिर सूजी में कोट करेंगे अच्छी तरह से, चारों तरफ सूजी कोट करेंगे। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे, उसके लिए हमने गैस पे पहले से ऑयल गरम करके रखा है, इसको हम एक एक करके इसमें डाल देंगे। ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे।
एक साइड से करेंगे फिर कटा के दूसरी साइड से भी ऐसे गोल्डन ब्राउन का, एक साइड से अभी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसको कलर देंगे, अभी थोड़ा कम ब्राउन हुए हैं, अभी दोबारा पलटा देंगे इस साइड से, दूसरी साइड से भी ब्राउन करके। इसी साइड से भी गोल्डन ब्राउन करेंगे, ये भी साइड से थोड़ा कम है, इस द्वारा पर पाना पड़ेगा। हमारे अब ये लड्डू पके दोनों साइड से ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। हमारी वेजी बॉक्स पैटी बन के रेडी हो गई है। मेरी वीडियो और रेसिपी पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल बटन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।